और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केसेस मिले, पिंपरी में 6 तो पुणे में 1 केस मिला है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 12 केसेस हो गए। 7 नए केसेस महाराष्ट्र से मिले, केवल महाराष्ट्र में ही अब तक 8 केसेस मिल चुके हैं, 7 और केसेस मिल गए हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये सभी लोग अभी कहाँ हैं, इनकी हालत कैसी है और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? देखिए, सभी लोग जो हैं पुणे पिंपरी के पास जो एक अस्पताल है वहां पर इनका इलाज किया जा रहा है और ये डॉक्टरों की निगरानी में है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 लोग अब ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें से एक शख्स जो है 47 वर्ष का, ये पुणे का रहने वाला है। बाकी जो 6 लोग हैं ये पुणे से ही सटी पिंपरी चिंचोड़ के रहने वाले हैं। इनमें से एक महिला है जो मूलतः भारतीय थी लेकिन वो नाइजीरिया की नागरिक है। 24 नवंबर को जो वो अपने 2 बेटियों के साथ अपने भाई को मिलने के लिए पुणे पिंपरी चिंचोड़ आई थी। ये नाइजीरिया से आए थे और इन्होंने अपने भाई से मुलाकात की और उसके बाद इनके भाई और भाई की 2 बेटियां हैं, ये 3 के भी जो है कोरोना की टेस्ट की गई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरीके से ये एक ही फैमिली के 6 लोग हैं। इसके अलावा ये भी बताया है प्रशासन ने कि ये जो 6 लोग थे इनमें से सिर्फ एक ही को माइल्ड सिम्टम्स थे जबकि बाकी 5 को कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। इन 6 लोगों में से 3 जो है वो बच्चे हैं। जाहिर सी बात की उनकी उम्र 18 साल से कम होने की वजह से उन्होंने कोई भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो नहीं ली थी। फिलहाल जो है इन तमाम 7 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इनके जो बाकी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं जिसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट दोनों को ही पहले से ही ट्रेस किया जा चुका है, उनकी भी जो एक आरटीपीसीआर टेस्ट की जा चुकी है और अभी तक उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो पॉजिटिव नहीं पाए गए। लेकिन फिलहाल आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये नए मामले आए हैं जिसके बाद डोंबिवली के एक शख्स को जोड़ लें तो महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने। लेकिन जो बच्चे ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित है उनकी उम्र क्या है? जी क्या आप अपना सवाल दोहराएं राकेश? सवाल ये है कि जो बच्चे हैं इस फैमिली के जो बच्चे हैं जो संक्रमित हैं उनकी उम्र क्या बताई जा रही है? देखिए, जैसे कि आपको बताया कि इसमें एक उसके जो भाई की जो 2 बेटियां हैं एक की उम्र 1.5 साल है और दूसरे की उम्र जो है 7 साल है। इसके अलावा जो बहन जो नाइजीरिया से जो लौटी है उसकी जो क्या है उनमें से एक जो बेटी है 12 साल की है तो ये 3 जो है इसमें बच्चे हैं जबकि एक चौथी जो बेटी है वो 18 साल की है तो इनकी भी हालत जो है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है और इनका जो है पुणे के पास जीजा माता अस्पताल जो है यहाँ पर फिलहाल उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। जी राकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।